Hello everyone, this is Priyanshi and today in this video, I am going to talk about UPSC Combined Geoscientist Exam 2022. So UPSC जो है वो उसने official notification जारी किया था September 2021 में कि उसने Geoscientist की post के लिए 192 vacancies जारी करी है और उसके लिए वो एक exam conduct करवाएगा in 3 stages. प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू. एंड हाल ही में उसके मेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है. सो इसी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं. सो आप भी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिया है, प्री का एग्जाम दिया है, या फिर जो जियो साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए और इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सितंबर 2021 में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया कि उन्हें 192 पोस्ट के लिए जियो साइंटिस्ट चाहिए और उन्होंने लिए उसके लिए उन्होंने पूरा एक एग्ज़ाम कैलेंडर तैयार किया कि वो 3 स्टेजेस में इसका एग्ज़ाम लेंगे. जो प्री एग्ज़ाम्स थे वो फरवरी 2022 में हो गए और जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जिन कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम पास किया, उन्हें अब मेंस का एग्ज़ाम देना है जो कि 26 जून 2022 को होने वाला है और उसका जो एडमिट कार्ड है वो 3 जून यानी हाल ही में रिलीज़ हुआ है. सो इस एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो था वो काफ़ी मिनिमल सा ही था. उन्होंने जस्ट पोस्ट ग्रेजुएट मांगा था, एमएससी मांगा था इन द एप्लीकेबल फील्ड्स. और जिनका भी एडमिट कार्ड अभी रिलीज़ हुआ है, दे कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट विच इज़ upsconline.nic.in पर. वहाँ जाकर आप उसके होम पेज पर जाएंगे, देन आपको जियो साइंटिस्ट मेंस एडमिट कार्ड की एक नोटिफिकेशन शो होगी. आपको उस पर क्लिक करना है, देन अपनी डिटेल्स डालनी है तो आपका एडमिट कार्ड शो हो जाएगा. आप उसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि आपका 26 जून को एग्ज़ाम है तो उसमें आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी. 26 को एग्ज़ाम है, काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो कैंडिडेट्स को ये एडवाइस है कि वो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करें क्योंकि जो ये एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम का पैटर्न है वो काफ़ी लेंदी एंड काफ़ी कन्फ्यूजन सा है. अगर मैं आपको पैटर्न बताऊँ तो इस मेंस के एग्ज़ाम में टोटल 4 पार्ट्स रहेंगे और हर पार्ट में आपके 3 एग्ज़ाम्स होंगे. ईच एग्ज़ाम 200 का होगा, सो हर पार्ट का जो टोटल हो गया वो 600 होगा और ऐसे 4 पार्ट होंगे तो टोटल आपका 2400 का एग्ज़ाम होने वाला है और आपको इसे क्वालिफाई करना है. आपके हर पार्ट में 3 पेपर होंगे और ऐसे आपके टोटल 4 पार्ट होंगे. सो आपको 12 पेपर्स देने हैं ईच ऑफ 200 मार्क्स, सो द टोटल इज 2400 मार्क्स. सो जो भी कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई किया है, जिनका एडमिट कार्ड आया है, वो अच्छे से अपने सिलेबस को चेक कर ले, अच्छे से तैयारी कर ले ताकि वो जो 26 को एग्ज़ाम है उसको अच्छे से दे पाएँ. जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.online.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. तो जल्दी से जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें. एप्लीकेशन की एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए द फीस वॉज 200. हालांकि जो रिजर्व कैटेगरीज हैं SC ST PWD, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं थी, उन्होंने फॉर्म फ्री भरा था. तो ऐसी और एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू.